पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ओके। और नोट्स आप जरूर तैयार करते जाए, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, ओके। सुबह 8 बजे रोजा नया क्लास आती है, एमपीजी के नोट्स की क्लास आपके लिए जल्द शुरू की जाएगी। चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध कौन थे। हमेशा याद रखिएगा कि पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध कौन है भैया जी? ये हैं एक प्रसिद्ध सितार वादकों के, विकल्प सी इसका सही जवाब है। और इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। जी हाँ, इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है, ओके। भारत रत्न कब दिया? भारत रत्न इन्हें 1999 में दिया जा चुका है, इसीलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। और मध्य प्रदेश के कौन व्यक्ति हैं भैया? एक हैं कैलाश कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ये कहाँ के हैं? ये हैं भैया विदिशा के। और फिर तीसरे व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी मध्य प्रदेश के हैं, ओके। ये कहाँ से हैं? ये भैया ग्वालियर से हैं, इन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है। प्रश्न है, नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करते हुए चले। कौन सी नदी है जो नर्मदा के समांतर बहती है? तो भैया इसका सही जवाब है कि नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है भैया जी, कौन सी? ताप्ती नदी है, ओके। कौन सी है? ताप्ती नदी है जो नर्मदा के समांतर बहती है। लेकिन भैया प्रश्न ये भी बन जाता है कि चलिए ठीक है, नर्मदा के समांतर बहती है, ये बताओ कि ये नदी किधर गिरती है, कहाँ से निकलती है? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, ताप्ती नदी जो है वो नर्मदा के समांतर बहती है, और ताप्ती पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी भी है। और यह ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है भैया? यह बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है, इसके क्लियर। और पश्चिम की ओर बहने वाली यह नदी है जो कि अरब सागर में जा कर के गिर जाती है, ओके। तो ताप्ती नदी के बारे में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हुए? कि यह बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, और अरब सागर में ये गिर जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, कोलकाता में, दिल्ली में, या फिर ग्वालियर में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार ये पूछा भी जाता है। तब हमेशा याद रखें कि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान जो है यह दिल्ली में स्थित नहीं है, कोलकाता में स्थित है नहीं, लखनऊ में नहीं। भाई इसका सही जवाब है कि यह स्थित है आपका कहाँ? ग्वालियर में, ओके। जीवाजी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने यह बना हुआ है। कुछ लोगों ने विकल्प बी बताया, बिल्कुल गलत, ओके। विकल्प डी इसका सही जवाब, रिंकुपाल, बिल्कुल, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि निमाड़ उत्सव का आनंद कौन सी नदी के तट पर लिया जाता है? निमाड़ उत्सव का आनंद कौन सी नदी के तट पर लिया जाता है? चंबल नदी, ताप्ती नदी, महानदी, या फिर नर्मदा नदी? तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि निमाड़ उत्सव जो नर्मदा बता रहे हैं राजे सबसे पहले अल्केश, तो इसका सही जवाब है कि निमाड़ उत्सव का आनंद जो है भैया नर्मदा नदी के तट पर ही लिया जाता है। अब एक प्रश्न आप मुझे बताइएगा कि निमाड़ उत्सव का आयोजन, निमाड़ उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, कौन सी जगह पर किया जाता है? प्रश्न है कि ग्वालियर किले में गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? जी हाँ, गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तब हमेशा याद रखिएगा कि ग्वालियर के किले में गुजरी महल को बनवाया गया था किसने भैया जी? अब ये तो गुजरी महल के बारे में बात हो रही है, आप यही बताइएगा कि ग्वालियर को किले को किसने, ग्वालियर के किले को किसने बन वाया, ओके। तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया? कि गुजरी महल को बनवाया राजा मानसिंह तोमर ने, किसको? गुजरी महल को, ओके। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें, अब आपको बताना है कि ग्वालियर के किले को किसने बनवाया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न है कि कवि, लेखक एवं पत्रकार को हिंदी के उनके कार्य हिम तरंगिनी के लिए
पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किनको भाई? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कार्बेट, या फिर वनीरघट्टा, या बायसन, या फिर गंगोत्री? तो भी ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो भाई इसका सही जवाब है कि यह है जिम कार्बेट। कौन सा है भाई? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इज दैट क्लियर? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब भाई? 21 अक्टूबर को। जी हाँ, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही विशाल, और सभी का गलत है। प्रकाश, मुकेश, सभी का गलत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? तो भाई सिंपल सा प्रश्न है। कल रात को 8:30 बजे जो क्लास हुई उसमें भी हमने यही प्रश्न देखे थे। राष्ट्रीय उद्यान पूरे, तो नागाजीरा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में नहीं है। प्रश्न है कि किसे भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में, किसका भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाई इसका सही जवाब है कि भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है दादा साहेब फाल्के को। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बात बताइएगा, एक और प्रश्न आप बताइएगा, दादा साहेब फाल्के स्टूडियो कहाँ पर है? ओके, ये प्रश्न बन जाता है एमपीजीके में। दादा साहेब फाल्के स्टूडियो कहाँ पर है? ओके, कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, इंदौर में हवाई अड्डे का नाम क्या है? जो इंदौर का हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो इंदौर का हवाई अड्डा है भाई उसका नाम है, देखिए हर्ष बता रहे हैं कि दादा साहेब फाल्के स्टूडियो मुंबई, अल्किस बता रहे हैं दादा साहेब फाल्के स्टूडियो धार। बहुत बड़े, केवल दो लोगों ने बताया, केवल दो लोगों ने बताया। चलिए, तो इंदौर में हवाई अड्डे का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जी हाँ, धार अरविंद, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है, हिंडोला महल कहाँ पर है? पूरे सिलेक्टेड प्रश्न हमने लिए हैं 8:00 बजे की इस क्लास में, पूरे सिलेक्टेड प्रश्न लिए जाते हैं। हिंडोला महल कहाँ पर है? जी मिस्टर शुभम वर्मा, बिल्कुल सही कि धार में है। ओके, दादा साहेब फाल्के स्टूडियो धार। प्रश्न है कि हिंडोला महल कहाँ है? तो भाई हिंडोला महल तो हमारा बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे लगा लो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है, हिंडोला महल है हमारा कहाँ पर भैया? मांडू में। ओके, और मांडू को क्या कहा जाता है? मांडू को क्या कहा जाता है बताइएगा? मांडू को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश में प्रथम, इनसे एक प्रश्न बनता है। ओके, तो हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं रविशंकर शुक्ल। के विकल्प डी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? देखिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से बताना है। ओके, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर एमपी है दूसरे नंबर पर। लेकिन भाई अब पूछा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो हमेशा याद रखें जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़े राज्यों में पांचवें नंबर का है कौन सा? जी हाँ, बिल्कुल शुभारंभ, बिल्कुल सही जवाब, पांचवें नंबर का है। ओके,
पांचवें नंबर का। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ओके, अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध की नींव का पत्थर किसके द्वारा रखा गया था? गांधी सागर बांध की नींव का पत्थर किसके द्वारा रखा गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि गांधी सागर बांध की नींव का जो पत्थर है, देखिए एमपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो एमपी में तीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इंदौर, भोपाल, ओके, और जबलपुर वाला। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, खजुराहो जो है वो इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है खजुराहो का, और ना ही ग्वालियर का है, ना ही ग्वालियर का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? गांधी सागर बांध की नीम का पत्थर किसके द्वारा रखा गया? तो भाई गांधी सागर बांध की नीम का जो पत्थर है यह रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं रखा था, किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? बताओ कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत है? कुछ लोग बता रहे हैं 30%। जी, तो इसका सही जवाब है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 30.72% क्षेत्र पर क्या है? वन है। ओके, वन है मध्य प्रदेश में। एक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश भारत के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है भूमिका निभाता है, बताइए कमेंट करके। प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के मुख्य शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद के मुख्य शिष्य कौन थे? सॉरी, स्वामी विवेकानंद किसके मुख्य शिष्य थे? ओके, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताना। जी हाँ, आकाश किरार, राजेश पवार, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये हुई ना शानदार बात, ये हुई ना कि 9.38% है मध्य प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का। ओके, भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% कौन है? मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन हो गए? रामकृष्ण परमहंस। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संगमरमर की चट्टानें कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं? जी हाँ, संगमरमर की चट्टानें कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो संगमरमर की चट्टाने हैं ये नर्मदा नदी के किनारे हैं। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे हैं संगमरमर की चट्टाने। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर भैया जी? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब देखिए, उच्च न्यायालय से संबंधित ये प्रश्न तो सरल है कि उच्च न्यायालय कहाँ पर है ये तो हर कोई बता देगा। ओके, हर कोई बता देगा कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है भैया वो जबलपुर में स्थित है। अब देखो प्रश्न यहाँ से कैसे तैयार होता है। जबलपुर में उच्च न्यायालय है, इसकी खंडपीठ, यहाँ से प्रश्न बनता है खंडपीठ से। कैसे? कि अभी इसकी दो खंडपीठ है, एक तो कहाँ है? इंदौर में, एक कहाँ है? ग्वालियर में। ओके, ग्वालियर में। और तीसरी खंडपीठ मेरे बड़े भैया, तीसरी खंडपीठ मेरे बड़े भैया कहाँ पर? भोपाल में क्या है? प्रस्तावित है। भोपाल में क्या है? प्रस्तावित है अभी तीसरी खंडपीठ। ओके, तो ये याद रखना आप बस। अभी भोपाल में बना नहीं है, अभी भोपाल में क्या है? प्रस्तावित है केवल। ओके, अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, बोरी अभयारण्य कहाँ पर है? बोरी अभयारण्य कहाँ पर है बताओ, बोरी अभयारण्य कहाँ पर है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बोरी अभयारण्य कहाँ पर है?
बताइएगा, हर कोई आंसर कमेंट करके बताए बोरी अभयारण्य कहाँ पर है। कुछ लोग कह रहे हैं भोपाल, तो कुछ लोग कह रहे हैं होशंगाबाद, इंदौर। चलेगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बोरी अभयारण्य है, बोरी अभयारण्य कहाँ पर है भैया, ये है होशंगाबाद, होशंगाबाद में। ओके, और वन विहार अभयारण्य कहाँ है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भैया, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है हमारा भोपाल में। और ये क्यों जाना जाता है, ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी योजना चलाई जा रही है कि कोई भी जानवरों को क्या है भैया, गोद ले सकता है। ओके, गोद ले सकता है। अब एक प्रश्न आप लिख लीजिएगा, भील जनजाति, कौन सी भील जनजाति, ये भैया एमपी और भारत, एमपी और भारत दोनों की सबसे बड़ी जनजाति है। इस फैक्ट इसमें आप कंफ्यूज न रहें, बिल्कुल भी कंफ्यूज न रहें। कुछ लोग कहते हैं एमपी की भील नहीं है, एमपी की गोंड सबसे बड़ी जनजाति, नहीं, भील एमपी और भारत दोनों की सबसे बड़ी जनजाति है। फिर एक प्रश्न बनता है पाताल कोट से संबंधित, पाताल कोट से संबंधित, पाताल कोट हमारा कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। बस ये जगह याद रखना, पाताल कोट कहाँ है, छिंदवाड़ा में है। इस दैट क्लियर। फिर है भीलों का घर, भीलों के घर को क्या कहते हैं, भीलों का घर, भीलों के घर को क्या कहते हैं, तो हमेशा याद रखना कि भीलों के घर को कहते हैं फाल्या, क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं भीलों के घर को। इस दैट क्लियर। ओके, और एक चलाई जाती है जावाल योजना, कौन सी, जावाल योजना, इस जावाल योजना में क्या होता है, अरे भैया इस जावाल योजना का मुख्य उद्देश्य है जो जनजातियाँ है ना वो वैश्यावृत्ति की ओर बढ़ रही हैं, वैश्यावृत्ति उसे रोकना, क्योंकि वैश्यावृत्ति की ओर बढ़ने से रोकना ही जावाल योजना का मुख्य उद्देश्य है। ओके, अगला है फिर प्रश्न, अगला क्या बनेगा, प्रश्न है कि कौन सी जनजाति जो वैश्यावृत्ति की ओर बढ़ रही है, तो बेड़िया जनजाति है, बेड़िया। ओके, बेड़िया जनजाति, बेड़िया जनजाति ये कहाँ की है भैया, बेड़िया जनजाति आपकी सागर में। ओके, ये वैश्यावृत्ति की ओर बढ़ रही है, इसीलिए क्या जावाली योजना शुरू की गई थी। एक प्रश्न बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या, कि भैया पठोनी विवाह, पठोनी विवाह कौन सी जनजाति में होता है, बताओ पठोनी विवाह कौन सी जनजाति में होता है, पठोनी विवाह कौन सी जनजाति में होता है, कितने लोग बता पाएंगे, बताइएगा कितने लोग बताएंगे पठोनी विवाह, गोंड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब, अजय रघुवंशी सबसे पहले सही जवाब दिया है, कौशल अहिरवार गलत है, अजय रघुवंशी का सही है। ओके, गोंड जनजाति में पठोनी विवाह होता है। इस डेट के लिए आगे बढ़ें, देखिए और मैं बताऊँ आपको अन्य मत, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहा हूँ, देखिएगा बसोड़, बसोड़, बसोड़ कहाँ की है, बसोड़ जनजाति है बालाघाट की, बालाघाट की, और ये बांस, बांस शिल्प में प्रसिद्ध है, किसमें, बांस शिल्प में ही प्रसिद्ध है। इस डेट क्लियर भाई, न्यूमेरिकल पुलिस में नहीं आते, ओके, पुलिस में न्यूमेरिकल नहीं आते, कुछ आएंगे तो उनको करा दिया जाएगा। इस डेट क्लियर, चलिएगा तो मिलते हैं आपसे इस क्लास में केवल इतने ही प्रश्न। ओके, आप रोजाना सुबह, रोजाना सुबह 8 बजे जरूर आया करें ये वाली क्लास लेने के लिए टॉप एमपीजी के लिए। ओके, और आज सुबह, सुबह आज कितने बजे, आज सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे साइंस होगा, सुबह 10 बजे क्या है, साइंस होगा, तो सब लोग जरूर लाइव आएँ साइंस की क्लास में, और इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे दी जाएगी। ओके, तो सुबह 10 बजे ज़रूर आएँ एमपी, सुबह 10 बजे, ठीक है, साइंस रोजाना लाइव रहेगा, साइंस इस डेट क्लियर, साइंस लाइव रहेगा भैया सुबह 10 बजे। ओके, पीडीएफ डाल देंगे, अभी तो 2 दिन पहले की पीडीएफ डालेंगे, आज इसकी लिंक देंगे इस पीडीएफ की, सभी लोग लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक।
ओके कितने लाइक हुए, पूरे इसे 100 कर दो, 100 लाइक होने चाहिए, 100 लाइक, 100 लाइक का टारगेट है, 100 लाइक होने ही चाहिए लाइव क्लास में ही।